नमस्ते दोस्तों, आज का हमारा सफ़र कुछ खास के लिए है। आज हम निकल रहे हैं गुजरात के रण ऑफ कच्छ की ओर, जहां सदियों से चली आ रही है एक अनोखी परंपरा नमक की खेती, जिसे हम गुजरात का सफ़ेद सोना भी कहते हैं। रण ऑफ कच्छ अपने आप में प्रकृति का एक अद्भुत नज़ारा है। मानसून के बाद यहाँ का विशाल क्षेत्र पर पानी से भर जाता है और फिर गर्मी आते ही पानी सूख जाता है। यही वो समय होता है जब शुरू हो जाती है नमक की खेती। नमक की खेती की प्रक्रिया। नमक की खेती एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आइए अब जानते हैं इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से। खेत तैयार करना, सबसे पहले रण के सूखे इलाके में छोटे छोटे गड्ढे खोदे जाते हैं, इन्हें खाबदा कहा जाता है। इनमें खारे पानी का संग्रह किया जाता है। इन खाबदों में सीधे समुद्र से लाया गया खारा पानी भर दिया जाता है। इसके बाद धीरे धीरे सूर्य की तेज किरणें अपना काम करती हैं, पानी धीरे धीरे सूखता जाता है और नमक सतह पर जमने लगता है। लगभग एक से डेढ़ महीने बाद जब खाबदों में सफ़ेद नमक की परत जम जाती है, तब उसकी कटाई शुरू हो जाती है। पारंपरिक औजारों की मदद से कुशल किसान इस सफ़ेद सोने को निकालते हैं। अब इसके महत्व के बारे में जानते हैं कि नमक की खेती का क्या महत्व है। नमक की खेती गुजरात के कच्छ के लोगों की आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन है। ये खेती न सिर्फ मज़ेदार है बल्कि इसके फायदे भी कमाल के हैं। नमक की खेती में ना तो रासायनिक खाद लगती है और ना ही कीटनाशक। ये खेती पूरी तरह से प्रकृति के अनुकूल है और हाँ, मिट्टी को भी उपजाऊ बना देती है। छोटे किसानों के लिए खेती कमाई का जबरदस्त जरिया है, कम खर्च में ज्यादा मुनाफा। नमक की ज्यादा डिमांड होने से मुनाफा भी ज्यादा होता है। नमक की खेती में सीधे सपाट लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, खेती तैयार करने से लेकर कटाई और पैकेजिंग तक। सफेद नमक के खेतों का नज़ारा देखने लायक होता है। ये खेती कच्छ के पर्यटन को भी बढ़ावा देती है। प्राकृतिक नमक में कई तरह के मिनरल्स होते हैं जो सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। पाचन क्रिया, ब्लड प्रेशर और मांसपेशियों के लिए ये नमक रामबाण होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।